यह है वो छोटा सा कंपटीशन जो हर फ्राइडे हम करते हैं अपनी मंडली के साथ। मैं एक वाक्य देता हूं और 6 अलग अलग राइटर्स उसी वाक्य से शुरू करके लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। अगर आप फ्राइडे चैलेंज के लिए लिखना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर डिटेल्स देख सकते हैं। आज का वाक्य है, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी बर्दाश्त के बाहर। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हर बात की एक हद होती है। लगभग रोज घर के दरवाजे पर टपकता ये बूंदों का अंबार मैं कैसे बर्दाश्त करती। मैंने भीगा पावदान पैर से किनारे खींचा और दरवाजा खोलने लगी कि एक बूंद कुर्ती की बाह पर टपक पड़ी। ओफो, आज तो बात करनी पड़ेगी। भन्नाते हुए मैंने पर्स सोफे पे पटका और सीधे बाथरूम में जाकर बाह धुलने लगी। महीने भर पहले ऊपर वाले घर में ये जो नए किराएदार आए थे, ये रोज शाम अपना घर धोते। जाने वहां आंधियां चलती थीं या गंदगी की बरसात होती थी। कपड़े बदलकर मैंने मोबाइल उठाया और दननाते हुए ऊपर चली आई। देव दीक्षित। नेम प्लेट पढ़कर घंटी का स्विच दबा दिया। जी कहिए। दरवाजा खोलते हुए उस आदमी यानी देव ने पूछा। टी शर्ट और उसके कंधे पर लटकी तौलिया पर ढेरों हल्दी तेल आटे के निशान थे। मैं नीचे रहती हूँ, कुछ बात करनी थी, मैंने कहा तो वो जरा झेपा, शायद मेरे आने की वजह भाप गया था। जी आइए, किनारे होकर उसने कहा और मैं अंदर चली गई। बड़ा अजीब था उसका घर, जैसे कोई उथल पुथल मचा कर गया हो। फर्श पर भीगे धब्बे, सोफे पर बिखरे कपड़े, पर्दे की ऊंची लटकी गांठें और मेज पर घर भर का कबाड़। अब बैठे मैं बस 2 मिनट में आया, सोफे पर जगह बनाते हुए उसने कहा और भीतर कमरे में चला गया। मैं वहीं बैठी वापस वही गीला फर्श, कबाड़ और पर्दे देखने लगी। ये इंसान कैसे रहता होगा यहाँ, ये बिखराव देखकर उबन नहीं होती होगी इसे। इट्स टू मेसी ना, अचानक से मेरे सामने बैठते हुए उसने कहा तो मैं झेप गई। वो अपनी मसरूफियत बताने लगा और मैं सोच रही थी कि पानी के लिए उसे गलत ठहराऊं या अपनी परेशानी बताऊं। वो सीढ़ी से पानी टपकता है सीधे दरवाजे पर, कहते हुए मैंने उसको देखा। वो पांव हिलाते हुए एकदम भीतर वाला कमरा देख रहा था। गले की हड्डी कितनी दफा हिली होगी ध्यान नहीं। 2 पल बाद होठों की सन से उसने एक लंबी सांस खींची। वो अभी कुछ कहता कि भीतर से बर्तन गिरने की आवाज आई। वो फौरन कमरे में दौड़ा। मैं वहां से आती आवाज सुनने लगी। डैडी ऐसे नहीं खाते, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूं, आप बैठो। हाँ अरे ये नहीं करते, मैं आ रहा हूं ना, कहते हुए वो बाहर आकर मेरे सामने बैठते हुए बोला। इज माई फादर इन लॉ, मेरी वाइफ इनको सौंप के गई थी मुझे, अल्जाइमर है ने लास्ट स्टेज, अक्सर भूल जाते हैं कि खाना कैसे खाना है और कैसे। अक्सर शाम आता हूं तो फर्श पर पोछा लगाने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती, इसलिए धुलाई करता हूं। उसे सुनते हुए लगा जैसे कोई कराहती आवाज कानों को बेध रही हो। मेरा दिल बिखरने लगा। तभी उस दरवाजे से सफेद कुर्ते पायजामे में एक बुजुर्ग बाहर निकले। दीवारों पर हथेलियां टिकाए वो घर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी भूल भुलैया में हो। फिर देव को देखते ही उनके चेहरे पर तसल्ली दिखी। वो उनके पास चला गया, प्यार से उनके कपड़े बाल ठीक करते हुए कमरे में ले जाने लगा। मेरा मन भारी हो गया। वो खींच, वो शिकायत कहीं सूखने लगी। मैं चुपचाप बाहर निकली थी कि एक आंसू टपक पड़ा। पहली दफा दामाद को बेटा बनते देखा था ना, इसलिए। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी बर्दाश्त के बाहर। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं तेज कदमों से आंगन तक आई, तार पे सूख रही बेटियों की यूनिफॉर्म को खींच के उतारा और अपने कमरे में जाने लगी कि तभी तख्त पे बैठी आबिदा बाजी यानी बड़ी ननद साहिबा ने एक और तीर छोड़ दिया। मुझे सुनाते हुए अम्मा से बोली, अरे हम कहते हैं 3 बेटियां पैदा कर लेना गुनाह नहीं है, बात है उनकी रखरखाव की, परवरिश की। 15 साल की हो गई है रोशनी,
लड़कों के साथ पढ़ाने का कोई तुक है क्या? पूरे मोहल्ले में बातें चल रही हैं, किससे मशहूर हो रहे हैं। अम्मा, स्कूल में पढ़ने के बजाय लड़कों से दोस्ती गांठ रही है तुम्हारी पोती। आंगन में लाल मिर्चों में मसाला भरती अम्मा जवाब में चुप रही। मिर्चों का तीखापन आबिदाबाजी की जबान पे चढ़ाया तो फिर बोली, हम सफेद पोश लोगों के पास है क्या सिवाय इज्जत के? क्यों अम्मा, गलत कह रही हूं? कुछ देर बाद अम्मा की आवाज उभरी, अब मैं क्या कहूँ, अब बेटियों की हड्डी माँ से मिलाई जाती है, सब ननिहाल का असर है। उन लोगों की आवारगी कौन नहीं जानता। शाम को आए रोशनी का बाप, कहूँगी उससे बंद करवा ये स्कूल फिस्कूल, अब जो भी पढ़ना अड़ना हो घर बैठ के पढ़े। घर बैठकर मेरे कदम चौखट पर रुक गए थे। गुस्सा, बेइज्जती और दुख एक साथ उमड़ने लगा। मायके वालों की बर्बादी के ताने, लगातार बेटियां जन्ने के ताने, और अब रोशनी की सच्ची झूठी आवारगी के किस्से। क्या करूं, कहां भाग जाऊं सब छोड़ छाड़ के? बचपन से लेके आज तक सिवाय जलील होने के और क्या मिला है? दादी कहती थी, जहां गई डाढ़ो रानी वहीं पड़ा पाथर पानी। बेबसी में आंखें जलने लगी। सामने नजर गई तो देखा कमरे के बीचों बीच पड़े तख्त पे दोनों छोटी बेटियां सो रही थीं बेखबर। रोशनी मेरी ओर पीठ किए छोटी सी मेज पे किताबें फैलाए बैठी थी, जैसे बाहर जो हो रहा है उसे कोई मतलब ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं। हद है बेहिसी की। मैं रंज और तैश में आगे बढ़ी कि रोशनी को झंझोड़ के पूछूं, चिल्ला पड़ूं उस पर कि तुम्हारी वजह से बातें सुन रही हूं, कितना समझाया था, मेरी सारी नसीहतें भूल गई, पढ़ाई की जगह स्कूल में ये सब। अगले ही पल मैं उसके सामने पहुंच गई। गम और गुस्से से बिखरी मेरी आंखें रोशनी को देखते ही ठहर गई, थम गई वहीं। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी बेआवाज। मुझे देखते ही उसकी सिसकियां तेज हो गईं। वो फौरन उठी और मेरे सीने से चिपट गई। अम्मी अम्मी, देखो ना फूफी कितनी गलत बातें कह रही हैं। वो लड़का महज दोस्त है मेरा, मैं कोचिंग नहीं करती ना, इसलिए हेल्प कर देता है। बस अम्मी, इतनी सी बात है, यकीन करिए। मेरे गले से लगी वो रुंधी आवाज में बोल रही थी, वही सहमी हुई आवाज, वही बेबसी जो मेरे साथ आज तक चली आई थी। मुझे कोई गले लगाकर कहने वाला नहीं था कि मत सहो इतना, हम है ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस इतना सा भरोसा देने वाला कोई नहीं था। मगर मेरी बच्चियों के साथ उनकी माँ खड़ी रहेगी हमेशा। मैंने रोशनी के आंसू साफ किए और उसका सर सहलाते हुए बोली, मैं बात कर लूंगी तुम्हारे अब्बू से, परेशान मत हो, कहने दो लोगों को, तुम्हारी अम्मी है ना। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी बर्दाश्त के बाहर। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सामने वाले फ्लैट से आती आवाजें ठहाके मेरे आराम में खलल डालने लगे थे। ये लोग ये भी नहीं सोचते कि कोई बुजुर्ग रहता है सामने, जरा कम हल्ला मचाएं। पहले मुझे लगा चलो नए नए शिफ्ट हुए हैं, कुछ दिनों की भगदड़ होगी, लेकिन अब देख रहा था कि इनका यहाँ का मेला खत्म ही नहीं हो रहा था। एक तो खुद 7-8 लोगों का परिवार है, उस पर जब देखो कोई ना कोई मेहमान चला आता है, और इनके यहाँ के खुराफाती बच्चे। सोसाइटी मैनेजर से जाके शिकायत करनी होगी कि फ्लैट पूरे खानदान को कैसे रेंट पे दे दिया। सोसाइटी ऑफिस जाने के लिए फ्लैट का दरवाजा खोला ही था कि बाहर का नजारा देखकर दिमाग और खराब हो गया। बड़ी तन्मयता से एक छोटा सा बच्चा अपनी पिचकारी से मेरे पौधों पर पानी छिड़क कर एक एक पत्ती धो रहा था। इस प्रक्रिया में 2-4 पत्तियां टूटकर नीचे भी गिर गई थी। ए, क्या कर रहे हो? मैं इतनी तेज चिल्लाया कि वो बच्चा घबरा के रुक गया। उसके घर से भी 2-3 लोग बाहर निकल आए। सॉरी बोलो मनु, जल्दी से सॉरी बोलो, देखो आपने लीव्स तोड़ दी ना। उसकी माँ अपराध बोध से भरी हुई बच्चे की बाह पकड़कर मेरे पास ला रही थी। वो बच्चा भी सहमा हुआ था। सॉरी, मनु ने आंखें झुकाकर कहा। उसकी माँ को संतोष नहीं हुआ, वो समझाने लगी, ऐसे नहीं, पूरी बात बोलो। आई एम सॉरी दादाजी, अब प्लांट्स को परेशान नहीं करूंगा। बच्चे ने आकर पूरी बात दोहरा दी। आई एम सॉरी दादाजी, अब प्लांट्स को परेशान नहीं करूंगा। मेरा मन इस संबोधन दादाजी पर अटक गया। मन में दर्द की एक लहर उठी।
उसके बाद न मुझे टूटी पत्तियों की सुध रही ना शिकायत करने की। बच्चे को एक नजर प्यार से देखकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैं फिर से कैद हो गया था अपनी दुनिया में, वो दुनिया जिसमें मैं था और मेरी पुष्पा थी, मेरी पत्नी, मेरी दोस्त। क्या हुआ जी, जलन हो रही है ना सामने वाला परिवार देख के, पुष्पा पूछ रही थी। मैंने खींच कर कहा, लड़ाई वाली बातें मत करो, क्यों जलन होगी, मेरा परिवार नहीं है क्या? वो कहाँ चुप रहने वालों में से थी। कहाँ है आपका परिवार? अमरीका में ना, वहां से तो आप लड़के चले आए थे बेटा बहू से, उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया, पोते से तो बात भी नहीं करते। मैं सकपका गया। हाँ तो कुछ बातें खराब लगी थी उनकी, अब इतना था तो मनाने चले आते ना मुझे, उसने मुझे घूरते हुए कहा। अमेरिका क्या सर पे रखा है जो चले आएंगे, और क्यों आएंगे, बोल के नहीं आए थे, आपकी शक्ल ना दिखाना, सब में कमी देखते हैं, अपने को नहीं देखते, चिड़चिड़े कहीं के। मैं पुष्पा के आगे हारने लगा था, वो गलत नहीं कह रही थी। कितनी जिद करके बच्चे ले गए थे मुझे, मैं छोटी छोटी बातों को दिल से लगाए लड़ झगड़ कर वापस आ गया था। फोन उठाइए, पढ़िए, कितनी मिस्ड कॉल, कितने मैसेज पड़े हैं आपके लिए, वो हड़का रही थी। मैंने फोन देखा, आंखें भर आई थी, बेटे के भी मैसेज थे, बहू के भी और पोते के भी। दादाजी प्लीज कॉल बैक, मैंने पुष्पा के पास जाकर भरे गले से पूछा। क्या करूं, फोन कर लूं, वो मुस्कुराते हुए बोली, फोन कर लीजिए, जितने दिन बचे हैं बच्चों के साथ गुजार लीजिए, पता है बाद में इस फ्रेम के अंदर बहुत घुटन होती है। मैंने पुष्पा को प्यार से देखते हुए उसकी तस्वीर पर चढ़ा चंदन का हार ठीक किया और फोन उठा लिया, पोते के मुंह से दादाजी सुनने के लिए। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, बर्दाश्त के बाहर। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, प्यार जैसा एहसास भी तकलीफ दे सकता है, ये जानती तो कभी प्यार न करती, वो इस तरह छोड़ के चल देगा इसका जरा भी अंदाजा होता तो यूं उसके साथ जीने की आदत ना बनाती। लेकिन ऐसे सोच समझ के कब हुआ है प्यार, कब सुनी है दिल ने दिमाग की दी हुई नसीहतें। अंशुल मुझे भोपाल से दिल्ली के सफर में मिला था, बेतरतीब सी दाढ़ी, ओवरसाइज टी शर्ट और कान में मोटे से हेडफोन। मेरे पास में बैठा लगातार गाने सुनता, कभी सर हिलाता और कभी हौले हौले गुनगुनाता वो लड़का मुझे जरा सा पागल लगा था, पर मैंने माइंड नहीं किया था। किसी सफर में हमारी चॉइस का हम सफर मिले ये जरूरी तो नहीं, 9 घंटे की तो बात थी, तब नहीं सोचा था कि बात सिर्फ 9 घंटों की नहीं है। मैं खिड़की के बड़े कांच में सर टिकाए चुपचाप अपनी डायरी लिखती रही थी, मन के कुछ दुख, सुख, पछतावे सब तो कैद थे इन पन्नों में, छोटी छोटी कविताएं, बड़ी बड़ी यात्राएं भी दर्ज थीं। ई नहीं आई, वो अचानक मेरी डायरी में देखता हुआ बोला तो मैं चौंक गई थी। व्हाट? मैंने उसकी तरफ देखा था, वो दोबारा अपने म्यूजिक में डूबा सर हिला रहा था। मैंने एक नज़र डायरी में लिखे उस शब्द को देखा जिसकी स्पेलिंग अभी अभी उसने ठीक करने को कहा था, और एक नज़र उस शख्स को जिसने अभी अभी मेरी प्राइवेसी में सीधी दखल दी थी। उस रात जब ट्रेन दिल्ली पहुंची तो रात के 12:30 बजे थे और तेज़ बारिश थी। दिल्ली जैसे स्टेशन पर भी अजीब सा सन्नाटा था। लापरवाह सा दिखने वाला वो लड़का मुझे प्लेटफॉर्म के बाहर फिर दिखा। यू नीड हेल्प, कैब बुलाएंगी, उसने मेरे करीब रुककर पूछा था। फिर वो ठहरा रहा था मेरी टैक्सी आने तक, और मेरे घर पहुंचते ही मोबाइल पर एक मैसेज आया, होप यू रीच सेफली, नंबर तुम्हारी डायरी के बाहर लिखा था, होप वी मीट अगेन। बहुत अजीब है जानती हूँ, लेकिन मैंने उस दिन उसका नंबर सेव कर लिया था, नाम भी नहीं जानती थी, बस भोपाल टू दिल्ली नाम से सेव कर लिया था। बात इतनी नहीं, इससे भी अजीब थी कि हम मिले, उसके किए कई मैसेजेस के बाद आखिर हम मिले, फिर मिलते रहे। मैं उसकी मोहब्बत में डूब गई थी, वो ट्रेन में हुई उस पहली मुलाकात में मुझे जितना पागल लगा था उससे कहीं ज्यादा बावरा था।
वो मेरी डायरी मुझसे छीन के पढ़ लेता, मेरे बीते दिनों की एक एक बात पूछता, आने वाले दिनों के सांचे गढ़ता। उसको जानने के बाद मेरा कुछ अपना नहीं रहा था, पर मुझे अच्छा लगता था हर बात उससे कह देना। मन के सबसे अंधेरे कोने भी मैंने उसके लिए खोल दिए थे, पर अब वो नहीं था, चला गया था दूर। हैरान थी कि उस भरोसे, उस प्यार के एवज में उसने मुझे अकेलापन दिया, छोड़ गया मुझे। नाराज हूं, दुखी हूं, परेशान हूं। लगातार सफर करती हूं, डायरी लिखती हूं, उतार देती हूं अपनी सारी तकलीफें उन जर्द पन्नों पर, लिख देती हूं सब कुछ जो महसूस करती हूं उसके लिए, शिकायतें, अफसोस, सब कुछ, इस उम्मीद से कि कभी किसी सफर में वो फिर मिलेगा। मेरी डायरी में झांकता हुआ, कोई गलत स्पेलिंग ठीक करता हुआ। सुना है मौत के बाद रूह आजाद नहीं होती अगर हम उसे रोज याद करें, पुकारें उसे किसी नाम से। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य एकता नाहर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, बर्दाश्त के बाहर। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुबह से तीसरी बार मैं बालकनी में आई थी और हर बार चुपचाप अंदर चली जाती थी, लेकिन इस बार मुझसे रहा नहीं गया। मैं जोर से चिल्लाई, क्यों उसे तंग कर रहे हो तुम लोग? मेरे बोलते ही सभी की गर्दन ऊपर की ओर तन गई। दिव्या के अलावा सारे बच्चों और आसपास वालों की नजरें मुझ पर थीं। दिव्या अपनी ही किसी उधेड़बुन में लगी थी। मैंने अकबका कर इधर उधर देखा। बच्चे अपनी अपनी पिचकारी लेकर उससे दूर हट गए थे। दिव्या के बदन को उन पिचकारियों ने नीले, काले, हरे, जाने कितने ही रंगों से रंग दिया था। हाँ, दिव्या, दिव्या ही कहते थे सब। किसी और से कोई दूसरा नाम तो सुना ही नहीं था मैंने। अपने पास हमेशा एक संदूक रखती थी जिसमें अपना सामान जोड़ती रहती थी, और कुछ नहीं था ना उसके पास, न घर, न छत, न परिवार। बस सड़क पर इधर से उधर दौड़ते देखा था उसे। कभी कोई खाने के लिए दे देता तो कभी कोई पुराना कपड़ा। रात किसी भी चबूतरे पर सो जाती। 6 महीने पहले जब मैं विदा होकर ससुराल आई तो फूलों से सजी कार के पीछे बच्चों के साथ दिव्या भी भाग रही थी। मेरा कमरा ऊपर की फ्लोर पर था। जब मैं बालकनी में आती तो कभी न कभी वो दिख ही जाती। उसके बारे में कितनी ही बार लोगों को कहते सुना था, पति को खा गई तो पागल तो होना ही था, न घर का पता, न जात का, जाने क्यों हमारे मोहल्ले में आके बस गई है। मुझे अच्छी नहीं लगती थी उनकी ये बातें, लेकिन नई बहू होने के कारण मुझे ज्यादा बोलने की इजाजत नहीं थी, किसी फैसले पर अपनी राय रखने की तो बिल्कुल नहीं। अचानक ही ये ख्याल टूटा तो देखा कि सारे बच्चे जा चुके थे। दिव्या एक चबूतरे पर बैठी अपने फटे दुपट्टे में से अपना हाथ आर पार कर रही थी। मैंने अलमारी खोलकर विदा में मिली साड़ियों में से एक सादा साड़ी निकाली और नीचे चल दी। जानती थी कि मम्मी जी मंदिर गई हैं और उन्हें आने में अभी 2 घंटे हैं। नीचे जाकर बाल्टी में पानी भरा और दिव्या के लिए एक प्लेट में गुजिया, पापड़ी और लड्डू रखने लगी। दिव्या अब तक सामने के चबूतरे पर ही बैठी थी। मैंने हाथों के इशारे से उसको बुलाया तो वो झेंप गई। मैं उसके पास चली गई। पहली बार मैंने उसे करीब से देखा था। कोई बहुत उम्र नहीं थी उसकी, 25-30 साल के करीब रही होगी। चेहरे पर कितनी मासूमियत और अल्हड़पन। मैंने घर के आंगन में ले जाकर उसके ऊपर पानी डाला और उसे साड़ी पहनाई। वो दोनों हाथ थोड़ी से टिकाए, नजरें झुकाए खड़ी थी। उसे गुजिया दी तो एक बार में मुंह में रख ली जैसे कोई छीन न ले। खाने के बाद वो मेरे सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई। मैंने उसकी हथेली थाम ली। उसकी मासूम आंखें कितना कुछ कह रही थीं। मैं सुनती कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सहम गई। वो अपनी हथेली छुड़ाकर दांत में साड़ी फंसाए तेजी से भागी। ये कैसे घुसी घर में? माँ जी ने उनको देखते ही भवें चढ़ा ली। पूरे घर को गंगा जल से धोना पड़ेगा। राम 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 कहते हुए वो पूजा की थाली एक तरफ रख कर बुदबुदाते हुए पूजा वाले कमरे में चली गई।
जाते हुए डिबिया मुड़ी तो उसकी नजरें मुझसे टकराई। जाने कैसी तो हिम्मत थी उन आंखों में। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया, पलटकर मां की ओर देखा। डिबिया के हक की लड़ाई प्रेम पाने भर की कहां थी, अभी उसे अपने सम्मान की लड़ाई भी तो लड़नी थी। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी बर्दाश्त के बाहर। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इंतजार करना। 3 घंटे हो चुके थे कछुए दादा का अभिनंदन समारोह शुरू हुए, लेकिन स्टेज पे मेरी प्रस्तुति की बारी आई नहीं रही थी। जबकि एक पर्ची पे मैं अपना नाम और महिला सशक्तिकरण पे अपनी लिखी एक कविता सुनाना चाहती हूँ ये लिख के सबसे पहले भिजवा चुकी थी, लेकिन स्टेज पे माइक लेके टहलते जिराफ को तो जैसे मैं खरगोशनी नजर ही नहीं आ रही थी। लंबे माल्यार्पण कार्यक्रम के दौरान मुझको नजरअंदाज करते हुए उसने पहले एक गीदड़ को गायन के लिए बुलाया, फिर एक चिंपैंजी को ब्रेक डांस के लिए, और उसके बाद शास्त्रीय नृत्य करने वाले एक मोर को। अपनी लंबी गर्दन घुमाकर उसने मंच पे विराजमान ढेरों मालाएं पहनकर मुस्कुराते हुए कछुए को देखा और फिर भीड़ से मुखातिब हुआ। हमारी खुशनसीबी कि उस ऐतिहासिक खरगोश कछुए दौड़ के विजेता आदरणीय कछुआ दादा आज हमारे बीच मौजूद हैं। खुदा इन्हें उम्र दराज करे। हम सब जानवरों ने जोरदार तालियां बजाई। लंबे डग भरते हुए बोला, हाँ तो अब अगली प्रस्तुति के लिए किसे बुलाया जाए। जल्दी से उचककर मैंने अपना पंजा लहराया, तभी अपने लंबे कानों से ठेलते हुए मेरे पति ने अपना लंबे नाखूनों वाला भारी पंजा मेरी पीठ पर रख दिया। बेवकूफी मत करो, वैसे भी हम खरगोश उस दौड़ में हार गए थे। अब तुम वहां अपनी कोई उल जलूल कविता सुना के काय हमारी और बेइज्जती करवाना चाहती हो। बैठो चुपचाप। खरोंचों से मेरी पीठ और उनके रवैये से मेरा मन अंदर तक छींच गया। मुझे अपने स्कूल कॉलेज के वो सर्टिफिकेट और मेडल्स याद हो आए जो अब किसी बक्से में बंद पड़े थे। ये भी याद हो आया कि हार जीत के मुद्दे से इतर कैसे मैं हमेशा से कछुए दादा की लगन और धीरज से प्रभावित रही थी। वो आदर्श थे मेरे। आज पहली बार मौका था कि मैं उनके सामने कुछ कह सकूं, उनकी शाबाशी पा सकूं, लेकिन मेरी आवाज भर्रा गई। पर मेरा बड़ा मन था। इस पे हमारे पीछे बैठा हिरन फिस से हंस दिया। इस खरगोशनी की जबान दराजी तो देखो जरा। कहीं से एक धीमी फुफकार भी उसमें जुड़ गई। न अच्छी चाल ढाल, न कायदे की शक्ल सूरत, कटे होंठ से झांकते दांत दिखाते हुए आगे जाएंगी ये। शर्मिंदगी से मेरा चेहरा झुक गया। तभी किसी ने पंख फड़फड़ाते हुए ताना कसा, मैडम जी आप अपने बिल में ही रहें, बाल बच्चे संभालें तो अच्छा है मैडम जी। हाँ, कोई गुर्राया, ये जानती नहीं है बाहर कितने खतरे हैं। तो किसी ने हुआ हुआ की, और क्या सोचती हैं बड़ी क्रांति ला देंगी है? और क्या। फिर खी खी करके सब हंस पड़े। मेरी आंखें भर आईं। जाने और कब तक सहने होंगे ऐसी फप्तियों के वार। अपनी पीठ से कहीं ज्यादा मन को कसकते जख्मों की तकलीफ कुछ पल में यूं ही सिसकती रही। जाने कितना अनकहा भीतर उबलता रहा। अपनी कविता के शब्द अंदर कहीं उमड़ते घुमड़ते रहे, फिर अचानक जैसे लावे की तरह फूट पड़े। जानती हो क्यों जरूरी है मेरा स्टेज पे जाना? क्योंकि मुझे अब उस ऐतिहासिक दौड़ में कछुए की जीत की वजह पता चल रही है। जरूर उसके साथ दौड़ने वाला कोई खरगोश नहीं बल्कि एक खरगोशनी रही होगी। वो खरगोशनी जिसकी हिम्मत बीच रास्ते में तुम सब ने इसी तरह अपनी फप्तियों से तोड़ दी होगी, वरना कहानी का अंत कुछ और हुआ होता। इसके आगे मेरा गला रुंध गया। वहां छाई खामोशी के बीच मैं मंच की ओर चल दी। एक नई कहानी के लिए मेरा आगे बढ़ना जरूरी था। बस
इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।